नमस्कार, मैं हूं संदीप सिन्हा और आप देख रहे हैं जुर्म। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको इस बार दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना जिसमें शक ने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। आपने देखा, पुलिस के सामने एक शख्स अपना गुनाह कबूल कर रहा है। आखिर कौन है ये और किसके मर्डर की बात कर रहा है? हम आपको बताते हैं, हत्या की बात करने वाले का नाम अविनाश है। इसने अपनी पत्नी की हत्या की है। ऐसा क्या हुआ कि एक सेल्समैन को अपनी पत्नी की हत्या करनी पड़ी? पूरी घटना जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। अच्छा सुनो, मेरी टिकट करा दो, मायके जाना है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मुस्कान की भी करा दो। नहीं, मुस्कान को तो रहने दो, उसका स्कूल है, उसका स्कूल ही छुड़ाना चाहती हूँ, मेरी करा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी कर दूंगा। ठीक, मुस्कान दिया पापा को। इस कहानी में तीन किरदार हैं, रोहित, कविता और अविनाश। रोहित कविता का पहला पति है जबकि अविनाश दूसरा पति। वैसे तो रोहित और कविता की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। पर कहते हैं ना, शक एक ऐसा कीड़ा है जिसे लगा तबाह कर दिया। कविता और रोहित के बीच रोज रोज का झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि रोहित ने कविता और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। निकल जाओ मेरे घर से। कोई घर नहीं है तुम्हारा, तुम निकल जाओ मेरे घर से। इसको भी लेके जाओ, अपनी बेटी को। बेटी को कुछ कहने की जरूरत आज के बाद मेरे को तुम दोनों की शक्ल नहीं दिखना चाहिए घर में। यहीं से कविता के जीवन में एंट्री होती है अविनाश की। इसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी, दोनों एक ही मोड़ पर खड़े थे, लिहाजा दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक साथ रहने लगे। बाबूजी, सुबह की दवा खा ली थी आपने? हाँ हाँ, डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल टाइम पे खाना था। हाँ बेटे, सुबह की दवा बिल्कुल टाइम पे खाना। नहीं बिल्कुल और अब तो बहुत आराम लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो सुबह जॉगिंग पे भी चले जा रहे थे? हाँ, बताए डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा सा तबीयत ठीक हो रही है, जैसे ये हिम्मत बढ़ी की वैसे वैसे। इस साल बजट नहीं है, अगले साल कर लेंगे। हाँ तो क्या दिक्कत है? फीस कितना है? इस साल नहीं, इस साल बजट नहीं है। अभी तुम घर में कुछ सीखो, लर्निंग करो, स्विमिंग अगले साल करो, ठीक है? नहीं, ऐसा है बेटे, ये समय जो है वो महत्वपूर्ण होता है, पैसे तो अपन कमा लेंगे। और चिंता नहीं करो,
तुम पता करो कौन कौन तुम्हारे दोस्त लोग जा रहे हैं और कौन सी क्लास है, कितने बजे से है, ये सब पता कर दो। फीस की चिंता मत करो, हम फीस देंगे, टेंशन काहे की काम आएगी। अभी जो भी चीज सीखना हो सीख लो, यही है उम्र सीखना है। जाओ पता करो। बड़ी देर लगा दू, कुछ मंगवाना होगा तो मैं बता दूंगी। बढ़ने वाली उम्र है, अभी ये सब एक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं, हमने बोल दिया है, जो भी समय का उपयोग करें, जो भी सीखना हो पेंशन हमको मिलती का के लिए। दिक्कत होगी तो मैं उसके साथ चली जाया करूंगी। ठीक है, मैं जाऊं। हाँ, फोन कर लेना रात में। ठीक है बाबू। अच्छा, वो है ना तुम्हारी जो फ्रेंड 204 में रहती है, उससे पता कर लेना। ठीक है, और फोन नंबर ला के देना स्टूडेंट का, दादू से बात कर लेना। एक बार नहीं सुन लेना, कोई भी एक्टिविटी क्लास ज्वाइन करोगी उससे पहले हॉलीडे होमवर्क पूरा होना चाहिए ना। मुझे इस मामले में कुछ नहीं चाहिए, बाकी तुम्हारी सारी फरमाइश मैं पूरी करूंगी। ठीक है, जाओ पहले पता कर लो, फिर मैं बात करके देती हूँ। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया तो वैसे ही मन लगा के आपको उसके हॉलीडे होमवर्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो इन सब एक्टिविटी में लग जाएगी और हॉलीडे होमवर्क भूल जाती है। पिछले साल का याद है ना, आखिरी समय में पूरा कराना पड़ा था मुझे। नहीं, कोई टेंशन नहीं लगो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा खाना होगा, थोड़ी नींद। ठीक है, आप आराम करो, कविता को लगा अब सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कविता के साथ एक बार फिर वही हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अविनाश उस पर शक करने लगा, जिसके बाद अविनाश ने रची एक भयानक साजिश। अरे बबू, बबू, सोई नहीं दवा खा के? नहीं, अभी नींद नहीं आई। अभी तक
बेटा एक मिनट, हमें एक छोटी सी बात करनी थी। क्या बात कर लो? क्या बात है बाबू? कैसा चल रहा काम तुम्हारा? काम तो अच्छा चल रहा। किसी जवान पे बात आई है, लगता है बोल रहे ना बोल रहे, कैसे समझे सर? बताइए क्या परेशानी है? कुछ नहीं है सर, दोपहर में मैंने खाना खा के सोया तो दो घंटे के बाद में मुझे कोई खांसी सी आई, तो मैंने बहू को आवाज़ दी तो पानी लाओ, तो नहीं सुन पा रही होगी, तो सुबह से उठती है तो तक जाती तो आराम कर रही होगी। बाबू जी आप भी बात कर रही थी, इतने परेशान हो रहा उसके लिए, क्या ऑफिस से आता हूँ कर रही होगी किसी सहेली से बात? नहीं नहीं बात सही है, बाकी जब आवाज दी तो मैंने आवाज थी वो नहीं सुनी, तो इस कारण से दिमाग में बात आई। एक जगह तो तुम महासाज के बात कर रही हो, हमारी बात नहीं सुन रही, ये मेरे मन में बात आई बेटे, तो मैंने बताया। और ठीक है आप अपना घर अच्छा है, बढ़िया सभी लोग हैं, बहू बहुत अच्छा काम करती है, सभी से ध्यान रख। बाबू जी आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप नींद पूरी कर लो, आराम करा करो, मत टेंशन मत लिया करो, ठीक से बात करनी होगी मैं उससे बोल दूंगा, आप सही अगर आप आराम करो, आपकी क्या कविता? हाँ? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, चैटिंग कर रही थी। वो तो फ्रेंड से कर रही थी। वो क्या है रात को ही फ्री होती है ना, चलो सो जाओ। सो जाओ आप, सो जाओ। दवा वगैरह सब रख दिया मैंने, हम लोग एक दो दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। अरे अचानक? हाँ मैंने सोचा मुस्कान और कविता को थोड़ा घुमा दिया जाए। कहाँ जाओगे? यही पास में पचमढ़ी। अच्छा बहुत अच्छी जगह है, एक दो दिन में आ जाएंगे। बहुत बेटा वहाँ समझ के रहना, वहाँ मतलब अच्छी जगह नहीं है, कभी कभी ऐसी जगह की परेशानी उठाना पड़ती है, आराम से जाओ, शांति से जाओ और कोई ज्यादा तनाव नहीं रखो, जीवन है उतार चढ़ाव चलते रहते, और होता है मन में विचार आते हैं। कविता हो गई तैयार? जी जी आपकी। चला जाए अब। हाँ पापा जी खाना बना के रख दिए हैं बेटा, दवाइयां डाली के रख दिए हैं बेटा, थोड़ा हाँ हम खाएंगे, अपना ध्यान रखो जी। और तुम ही लोग हमारी पूजी हुआ, तो कोई दूसरा है नहीं, सुख शांति से रहना अपनी लोगों को है, अच्छी से रहो, अपना सुखी जीवन रहे तुम लोगों का। हम कब तक हैं, कितने दिन के लिए? हाँ बेटा चलो अच्छे से आराम से जाना, और जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम लोगों के बिना अच्छा नहीं लगता।
एक काम करो, तुम यही रुक जाओ, मैं मम्मी को दिखा के लाता हूँ, तुम थोड़ा आराम करो। अकेले छोड़ के जाओ? बस दो मिनट का काम है, दिखा के लाना है, बहुत बड़ी नदी है। बैठो बैठो, तुम देख किसी से बात नहीं करना, चुपचाप नहीं बैठना। चलो तुम चलो, आ रहा हम पाँच मिनट। ठीक है, किसी से बात नहीं करना, हिलना नहीं आता, मैं आ रही हूँ। आओ तुम्हें नदी दिखाते हैं। अरे वो देखो, वो सामने है। अरे वो कहाँ दिख रही जी? मेरे साथ घूमेगी और एक किसी और के साथ करेगी, तो चक्कर किसी और के साथ। घटा भी छोड़ मम्मी को, चल अपन चल। मम्मी कहाँ है? अरे छोड़ ना, मैंने बोला ना। अरे कविता आज इस दुनिया में नहीं है, अविनाश सलाखों के पीछे है और बेटी का कोई पता नहीं है। देखा आपने, एक शख्स ने दो परिवारों को उजाड़ दिया। हम फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। रहिए होशियार। जय हिंद।